ये बड़े शरारती हैं। तोड़ लो। वेलकम टू गाइस माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मैं अपनी फैमिली के साथ अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं घूमने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये मेरा छोटा लड़का है, ये मेरा बड़ा लड़का, और ये मेरी वाइफ, और ये मेरे चाचा का लड़का है। दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों चलते हैं आगे। गाइस इस टाइम हम पथरी में आ चुके हैं बेगमाबाद में। यहाँ एक छोटी सी नदी चलती है, अब उसमें से निकलेंगे। मोटरसाइकिल तो पार निकाल ली है, तो हम अपने बच्चों को और खुद भी निकलेंगे पार। देखिए गाइस नवनीत बहुत डर रहा है। पानी थोड़ा बड़ा बड़ा है ना, थोड़ा बहाव ज्यादा, इसलिए थोड़ा डर रहा है बच्चे। ये नहीं डरेगा, नवनीत बोल रहा है मैं नहीं डरूंगा। छोड़ दो नवनीत को यहीं, नवनीत को छोड़ दो यहीं पर। एक मेरा छोटा लड़का भी डर रहा है। गाइस इधर से देखो आप, पानी आ रहा है और इधर कोसी नदी में जा रहा है। नवनीत कैसा लगा पानी से निकल के? अच्छा। डर रहा था बहुत। आज हम जा रहे हैं अपने खेतों में। आराम आराम से चल भाई। देखिए गाइस वो पुल हैं, एक ट्रेन का है और एक दूसरी सवारियों का है। धूल बहुत है गाइस यहाँ पर। आराम से गाइस देख सकते हैं आप ये। गाइस देखिए ये बहुत बड़ा खड्डा है, यहाँ पानी आया था। कितनी ऊंची ऊंची ये ढांगे हैं, पहाड़ जैसी। लेकिन ये पहाड़ नहीं है गाइस, मिट्टी है, देख सकते हैं आप लोग। देखते हैं आप, हम पहुंच चुके हैं अपने खेत पर। दोस्तों ये हमारे ताऊ जी का घर है, ये आप सामने देख सकते हो, ये उनकी झुग्गी है ताऊ जी की। ये झोपड़ी ताऊ जी की है, आगे अपने घर लेके चलते हैं। और ये हम आ गए अपने खेतों की तरफ। दोस्तों हमारी लव मैरिज है, 7 साल हो गए हमारी शादी को। ये मेरे दो लड़के हैं, कोई बात नहीं। और ये हमने आम के पेड़ लगा रखे हैं अपने हमारे खेतों में, आप देख सकते हो इतने इतने बड़े हो गए आम के पेड़। और अभी पानी खड़ा है हमारे खेतों में, आप देख सकते हो पानी इतने इतने पेड़ हो चुके हैं। दोस्तों ये देखो तोरई खड़ी है पर ये खराब हो गई। गाइस इस टाइम खेतों में पानी पानी खड़ा है, आप देख सकते हो काफी पानी है। धान लगाया, धान भी लगाया था, धान खराब हो चुका है गाइस। आगे अच्छा आया हमारा भाई, इस टाइम काफ़ी पानी खड़ा है, थोड़ा आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। अभी हम अपना घर दिखाएंगे जो हमारा खेतों में घर है। गाइस हम नवनीत से पूछते हैं कहाँ जा रहा है। नवनीत कहाँ जा रहे हो? खेत। कहाँ खेत कहाँ है? वहाँ पर क्या है? वहाँ क्या है? वहाँ क्या है नवनीत बताऊँ? खेत। खेत में क्या बना हुआ है? नवनीत शर्मा रहे हैं। दोस्तों पानी की वजह से कबाड़ भी बहुत खड़ा है हमारे खेतों में और पेड़ काफी बड़े बड़े हो गए। पास में क्रेशर है और हमने एक कमरा लिया है। गाइस देख सकते हो ये हमारे
फूलों का बगीचा लगा रखा है एक हमने। यहाँ एक अनार का पेड़ लगा रखा है, देखो कितना छोटा सा पेड़ है अनार का, पर अनार लगे हुए हैं गाइस। ये देखो अनार, एक तूत का सतूत का पेड़ लगा रखा है। आपने हमारे धान तो देख ही लिए होंगे। हाँ, हमने कुछ फूलों की पेड़ लगा रखे हैं। एक हमारा ये नल है, ज़्यादा गहरा नहीं है, कच्चा पानी है। और ये बगल में हमारा ताऊ जी का खेत है गाइस। ये हमने यहाँ बैंगन भी लगा रखे हैं कुछ, ये देख सकते हो आप। ये संजय भाई हैं गाइस। ये मेरे पापा लेटे हुए हैं, मेरे लड़के देखो दोनों बैठे हुए हैं। ये देखो कैसे कूद रहा है, ये खेलने में ज़्यादातर मस्त रहता है। ये हमारा घर है, ये बगल में एक झोपड़ा सा डाल रखा है। दोस्तों ये दोनों मेरे लड़के जा रहे हैं आगे, ये फली तोड़ेंगे। गुरी नवनीत इधर, ये मेरा बड़ा लड़का और छोटे लड़के दोनों जा रहे हैं सेम फली तोड़ने। कितनी मस्ती से जा रहे हैं। ये बड़े शरारती हैं। तोड़ लो तोड़ लो। ऐसे ये देखो गाइस, ये है फली। आगे दीवार है दोस्तों, ये दूसरी तरफ चाचा का खेत है। ये हमारा धान, ये हमारा घर, ये छोटा सा बाथरूम है और आगे इसी तरफ आगे रास्ता है। दोस्तों ये बड़े नटखटे हैं। नवनीत बेटा देखो, ये मेरा छोटा लड़का कितना खुश है। देखो ये बड़ा भी हसमुख है, बहुत तेज, बहुत शरारती हैं दोनों भैये। पूरे दिन हम मुझे परेशान करते रहते हैं और दोनों फोन में घुसे रहेंगे पूरा दिन, गेम ही खेलते रहेंगे। देखो कितनी अपनी मस्ती में है। देखो कह रहा है मैं ही लेके जाऊंगा, तोड़ तोड़ के मुझे देते रहो। गुरी ऐदा नहीं आखी दा, ऐसे नहीं बोलते। देखो लड़का मेरा बहुत खुश है। देखो दोनों ही मौज मस्ती कर रहे हैं दोनों लड़के मेरे। छोटा वाला तो बहुत तेज है। ये बच्चे एक दूसरे को, और ये हमारा संजय भाई भी बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हैं। फली तोड़ी खाने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। नवनीत मार रहा है मुझे बहुत। एक मेरा वो लड़का मम्मा मम्मा कर रहा, अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है। मम्मा गई चारा काटने। मम्मा मम्मा अपनी मम्मी को पुकार रहा है। बस नवनीत ज्यादा गाइस ये देखिए मेरी वाइफ और मेरे पापा चारा काट रहे हैं। एक हम कटिया लाया ना छोटी सी, तो उसके लिए गाइस थोड़ा सा चारा काटना है और उसके बाद चलते हैं।
बेटा चाय पियोगे? चाय सोनू भाई चाय पियोगे? चलो बना दो। चाय बनाते हैं बैठ दो। अरे दोस्तों संजय भाई यार सिलेंडर तो खत्म हो रहा है, सिलेंडर और गैस तो खत्म हो रहा है, आप क्या करें? क्या करें आप? गैस भी खत्म हो रहा है। गाइस हम चाय बनाने जा रहे थे और यहाँ देखा तो सिलेंडर खत्म हो चुका है, लकड़ी पड़ी है भूमि के लिए, चूल्हा जला नहीं सकते, कल रात बरसात पड़ी थी, लकड़ियाँ सारी गीली हो चुकी हैं। लाइट आ गई, पंखा चला ले भाई। अरे भाई ये तो कोई पंखा भी तोड़ गया, अरे इसकी तो भी तोड़ के चला गया। गाइस रात को यहाँ कोई नहीं था तो रात को यहाँ से कोई पंखा भी तोड़कर चला गया है। गैस खत्म हो रहा है, अब क्या करें? क्या करें? अरे कोई कट्टे भी ले गया यार, कट्टे रखे थे यहाँ से, सीमेंट के कट्टे भी गायब हो गए हैं गाइस। दो दोस्तों काफी दिन हो गए साइकिल नहीं चलाई है, 5-7 साल हो गए साइकिल पड़ी, चला के देखते हैं, ट्राई मार के देखते हैं। कहाँ घुसेड़ दी गाइस, देखो इससे साइकिल नहीं रुकी तेरे लोग भाई से। ये क्या हो गया दोस्तों, बच गया, चोट नहीं लगी, मैं उधर से चलाता हूँ लाता हूँ। गाइस मुझे लगता है ये त्रिलोक भाई पक्का गिरेंगे आज। ओ गिर गया गाइस, देखिए चोट नहीं लगी। बड़े शैतान बच्चे हैं। देखो दोस्तों ये क्या कर रहा है मेरा लड़का, क्या कर रहा था वहाँ दोस्तों? ये देखो तीनों मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे से छेड़खानी कर रहे हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारा खेत कैसा लगा। दोस्तों यहाँ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी घूमने ही आए थे हम आपको, हमने सोचा अपना खेत ही दिखा दें, भूख लग रही है काफ़ी देर से, गैस भी ख़त्म हुआ पड़ा है। ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए थैंक यू दोस्तों।